तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 33 के नावल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7, सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। मैंने प्लेलिस्ट में सारे एपिसोड्स को ऐड कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जो डाउसेट का ग्रुप होता है वो यूनिक डेविल रिजर्व में एंटर कर चुका होता है, और जैसे वो लोग एंटर करते हैं पूरी जमीन हिलने लगती है और अचानक से बहुत ही बड़ी बड़ी कुछ अजीब सी एंट्स बाहर निकलती हैं, और वो जो एंट्स थी ना वो दो पैरों पर चल रही होती और उनके हाथ बड़े बड़े एकदम तलवार नियर थे, और वह तुरंत सारे एंट्स पूरे डाउसेट के ग्रुप पर अटैक कर देती है। तभी वहां पर जो यांग ज़ियाओ लिंगडो और वांग क्यान होते हैं वो टीम को लीड करते हैं और कहते हैं सावधान हो जाओ, यहां पर हमारे ऊपर डेमन एंट्स ने अटैक कर दिया। वहां पर यांग ज़ियाओ बताती है क्या मुसीबत है, मतलब आते आते ही हम पर डीमन एंट्स का अटैक हो गया है। ये जो डीमन एंट्स होती हैं वो निर्वाणा के लाल 5 लेवल 6 की आसपास की बराबर की पावर रखती हैं, बट इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग एक दो तो चलती हैं, यहाँ पर 1000 to 2000 तो होंगे ही। और हमारे डिसाइपल्स पहले से निर्वाणा के अलावा 6 के कल्टिवेटर हैं, बट कुछ चोटें तो आएंगी, इसलिए सभी डिसाइपल्स से कहते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी मेंटल पावर को चारों तरफ बिखेर देता है, और तभी अचानक से लिंगडोंग को एहसास होता है कि इंगुआन वहाँ जहाँ खड़ी है ना उसी के नीचे से एक चींटी बाहर निकलने वाली है। इसलिए लिंगडोंग काफ़ी स्पीड से सीधे जाकर इंगुआन वहाँ का कमर पकड़ता है और तुरंत लेकर साइड में गिर जाता है। वहाँ पर इंगुआन वहाँ का यह देख कर चेहरा लाल हो जाता है, फिर से वह गुस्सा वाला रूप धारण कर लेते हैं और लिंगडोंग के मतलब उसका हाथ अपने कमर से हटाते हैं और फिर से साइड में चली जाती है, और वो भी चीटियों से फाइट करने लगती है। आपका सबको पता है इंगुआन वहाँ लिंगडोंग से क्यों गुस्सा है। तो चलिए हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है, वो भी इस मामले पर भी थोड़ा ध्यान नहीं देता, इतनी लड़ाई थी वो भी इस मैटर को लेकर चिंता में पड़ेगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपना काला पेड़ बाहर निकल लेता है, वही एंशियंट इमोर्टल युआन ट्री, और तुरंत जो लिंगडोंग होता है इन सभी चींटियों पर एकदम बारिश की तरफ टूट पड़ता है, धड़ाम धड़ाम इधर पीट रहा होता है इधर पीट रहा होता है। और इधर जो डाउसेट के डिसाइपल्स होते हैं वो भी काफ़ी खतरनाक तरीके से इन सभी चींटियों से लड़ने लगते हैं, और थोड़ी देर में वो लोग लगभग 1000 चींटियों से भी ज़्यादा को मार डालते हैं, बट अभी भी चींटियाँ आ ही रही होती हैं। वहाँ पर जो इंगुआन वान होती है वो फिर से अपने ग्रुप को एकदम सामने खड़ी होकर जोर से चिल्लाती है, सभी लोग ये ग्रुप बनाओ और हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जो चींटियाँ हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में, हम फालतू में इनसे फाइट कर कोई भी फ़ायदा उदा नहीं होने वाला है, हम इनसे निपट तो सकते हैं बट यहाँ पर हमारे डिसाइपल घायल होंगे, तो फालतू में हमें इस मैटर से निकलना चाहिए, इसलिए वहां पर जल्दी जल्दी इस पूरे एरिया को थोड़ा सा खाली करो ताकि हम लोग यहां से निकल सके। वहां पर जाओ सेट के डिसाइपल्स भी हमें सिर हिलाते हैं, तुरंत उन सभी चींटियों पर टूट पड़ते हैं, धड़ाम धड़ाम चींटियों को मारा जाने लगता है। और तभी वहां पर जो अब जगह थोड़ा सा खाली होता है, इंगुआन व लिंगडोंग और वांग यान ग्रुप को लीड करते हुए वहां से निकलने के लिए तैयार होते हैं, बट अचानक लिंगडोंग एक दृश्य को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था। दरअसल उन लोग का जो ग्रुप था ना उसके चारों तरफ मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस में अब चींटियाँ नहीं थी, अटैक हो रहा था लेकिन काफ़ी दूर से वो लोग आ रहे थे, लेकिन इंगुआन वान पर चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा उनको घेरी हुई थी इंगुआन वान को, और इंगुआन वान के वो लोग वीक पॉइंट्स पर अटैक कर रहे थे, जैसे जितने भी नॉर्मल कल्टिवेटर्स थे ना उन पर चींटियाँ आंधा धुंधा कहीं भी मारे जा ले, लेकिन इंगुआन वान पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा उसके वीक पॉइंट्स पर मारे जाए, जैसे नहीं इंगुआन वान का जो वीक पॉइंट्स है उसको मारे जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा उस पर घेर ओढ़ लिया था इंगुआन वान को। इंगुआन वान उन सभी को संभाल ले रही थी क्योंकि वह निर्वाणा के लेवल 8 के पीक की पावर रखती थी, इसलिए वह चींटियों को संभाल ले रही थी। लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग शौक में था कि आखिर यहाँ पर इंगुआन वान पर ही चींटियाँ क्यों अटैक कर रही हैं, और जब इंगुआन वान पर चींटियाँ अटैक कर रही हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा दिमाग से अटैक कर रही हैं, इन चींटियों के पास तो कोई दिमाग होना नहीं चाहिए। तभी लिंगडोंग को एक बात ठनकती है, कहीं यहाँ पर ये जो चींटियाँ हैं
इंगुवान वान के पिछले जन्म के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो नहीं लगा चुके हैं, इसीलिए वो लोग इंगुवान वान पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि लगता है इंगुवान वान कोई पिछले जन्म में बुरी कल्टिवेटर थी या अच्छी कल्टिवेटर। गाइस इंगुवान वान पिछले जन्म में री इनकारनेटर लेवल की कल्टिवेटर जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक लेवल होता है। वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वो फिर इंगुवान वान की तरफ देखता है, वो चींटियों से तो लड़ ले रही थी बट यहाँ पर लिंगडंग को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चींटी इंगुवान वान को घेर कर क्यों अटैक कर रही है। तभी वहाँ पर लिंगडंग कहता है इंगुवान वान एक बार अपनी साउंड पावर का यूज़ करते अपनी जीतर से इन सभी पर इन चींटियों पर अटैक करना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे जीतर से डरेंगी। वहाँ पर जो इंगुवान वान होती है वो यही करते, तुरंत वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करते और तुरंत अपने हाथ में एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जीतर ला लेते और तुरंत अपनी जीतर को जैसे ही प्ले करती है सारी चींटियाँ मतलब उनका जैसे दिमाग उमाग खराब हो जाता है, वो लोग एक दूसरे को मार काटने लगते हैं, कुछ चींटियाँ तो धड़म धड़म जमीन पर ही गिरने लगती हैं। वहाँ पर इंगुवान वान कहती है हाँ लिंगडंग ये काम कर रहा है। उसके बाद जो इंगुवान वान होती है वो तुरंत अपनी चारों तरफ की चींटी को अपनी जीतर से प्ले करके साउंड अटैक कर सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अब इंगुवान वान ने भी अपने एरिया को खाली कर लिया होता है। वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वो इंगुवान वान की तरफ देखकर कहता है इंगुवान वान जल्दी से वहाँ से निकलो और हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी इंगुवान वान अपनी जगह पर रुक जाती है और उसे कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है। वहाँ पर जो यांग ज़ियाव ज़ियाव यानी इंगुवान वान की बहन होती है वह कहती है इंगुवान वान क्या करियो निकलो वहाँ से। तभी वहाँ पर इंगुवान वान बोलती है दीदी एक मिनट ज़मीन के नीचे कुछ तो है। वहाँ पर यांग ज़ियाव ज़ियाव और सभी डार्क साइड के डिसाइपल रुक जाते और कहते क्या ज़मीन के नीचे कुछ तो है। वहाँ पर इंगुवान वान बोलती है हाँ ज़मीन के नीचे कुछ तो है। और तभी अचानक से जो इंगुवान वान होती है ना वो अपने जीतर को प्ले करते हुए ज़मीन पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साउंड अटैक करती है जिससे ज़मीन में गड्ढा बन जाता है और ज़मीन को तोड़ते हुए चार लाशें बाहर निकलती हैं। उन चार लाशों को देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वांग्यान जो चार लाशों की बॉडी में मतलब अजीब सा हड्डियाँ बची थी उन हड्डियों में ही अजीब सा एक नीला कलर का मोती को देखता है। वहाँ पर वांग्यान इस मोती को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये क्या रहस्यमय जीवन मन का। वहाँ पर लिंगडंग पूछता है क्या ये मोती रहस्यमय जीवन मन का है। वहाँ पर वांग्यान बताता हाँ दरअसल ये जो चारों कल्टीवेटर है ना वो ऐसा हो सकता है कि लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के ऊपर के कल्टीवेटर हो और जब ये कल्टीवेटर्स यहाँ पर मारे गए हो तो इनकी बॉडी यहीं पर दब गई हो। जब लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के भी ऊपर के कल्टीवेटर मारे जाते हैं और उनकी बॉडी को दफना अफना दिया जाता है ना तो उनकी बॉडी रहस्यमय जीवन मन का नामक एक मोती का निर्माण करती है। इस मोती का अगर यूज़ एक निर्वाणा के लेवल 9 वाला कल्टीवेटर करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है ताकि वह लाइफ मिस्टीरियस स्टेज तक पहुँच सके। और यहाँ पर चार चार हैं, वहाँ पर लिंगडंग को भी यह एहसास नहीं होता कि इतना ज़्यादा खतरनाक ट्रेजर उन लोग को मिल चुका है। तो गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का प्लान केवल 499 यानी 500 में पूरा मार्शल यूनिवर्स का नावल ही मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स में गाइस लगभग 800 से 900 एपिसोड्स अपलोड होने बाकी हैं और ये सारे एपिसोड हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर केवल लिखिए आप सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा, उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा और जैसे पेमेंट हो जाता है उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूँगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर और इधर हमें वांग्यान को दिखाया जाता है जो चार रहस्यमय जीवन मन का मोती को देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पर जो यांग ज़ियाव ज़ियाव होती है वह सभी को रोक लेते और कहते रुको यहाँ पर कुछ तो अजीब है, चुपचाप पहले यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो, ऐसे मोती को टच मत करना। तभी अचानक से हमें आसमान में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक कल्टीवेटर्स का ग्रुप दिखाई देता है और ये कल्टीवेटर्स का ग्रुप होता है वो होता है स्वॉर्ड सुपर सेट का। वहाँ पर स्वॉर्ड सुपर सेट के जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं
वो लोग इन चार मोती को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। स्वाट सुपर सेट का ट्रू जीनियस जूलिंग जो डाउ सेट के डिसाइपल की तरफ देख कर कहता है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर इतनी बड़ी चीटियों का मात्रा का ग्रुप है और यहाँ पर तो ऐसे चीटियाँ तो ऐसे नॉर्मली होंगी नहीं, कोई पावरफुल ट्रेजर तो होगा ही। और देखो यहाँ पर रहस्यमय जीवन मन का मोती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और गाइस तभी वहाँ पर जो स्वाट सुपर सेट का ट्रू जीनियस जूलिंग होता है वह डाउ सेट के डिसाइपल्स की तरफ देखकर कहता है, सीनियर यांग जियाओ जियाओ, मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और आपका डाउ सेट हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और जितने भी आपके डिसाइपल है वो हमारे डिसाइपल्स को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं, बट हम भी दो निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टिवेटर यानी हमारे ग्रुप में भी दो निर्वाणा लेवल 9 के कल्टिवेटर हैं। देखिए हम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से फाइट करें, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आधा आधा इस मतलब जो रहस्यमय जीवन मोती मन का यहाँ पर चार हैं तो दो आप लोग रख लीजिए और दो हमें दे दीजिए, फालतू में मैटर ज़्यादा मत खींचिए। वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ ज़ियाओ होती है उसका भी भौंह सिकुड़ जाती है, फिर वह कुछ सोचने लगती है, वह सोचती है कि अगर हमारे डिसेपल स्वाट सेट के साथ फाइट करते हैं तो उनको भी चोटें लगेंगी और हमारा आगे युआन गेट के साथ सामना तो होगा ही, अगर हम फालतू में दुश्मन बनाएंगे तो ये लोग भी युआन गेट के अगर साथ मिल गए तो उनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए वहाँ पर यांग ज़ियाओ ज़ियाओ को सब सोच कर चलना था। वहाँ पर यांग ज़ियाओ ज़ियाओ सोच ही रही होती है तभी वहाँ पर जो यिंग वान वान होती है वह लिंगडोंग को अपने पास बुलाती है और फिर पता नहीं यिंग वान वान लिंगडोंग को क्या समझाती है, वहाँ पर लिंगडोंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह स्वाट सेट की तरफ देख कर कहता है, ठीक है तुम लोग को यहाँ पर दो रहस्यमय जीवन मन का मोती चाहिए ना, तो ठीक है तुम लोग जाकर दो मोती रख लो, दो मोती हम रख लेंगे। यह बात सुनकर डाउ सेट के डिसाइपल भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे कि लिंगडोंग ऐसे हार माने, बट लिंगडोंग सबको शांत कराता है। सारे लोग लिंगडोंग की बातों पर मतलब अब लिंगडोंग की बातों पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे, वहाँ पर वो लोग भी अब कुछ नहीं बोलते। यह बात सुनकर वहाँ पर जो स्वाट सेट के जितने भी लोग होते हैं साथ ही साथ स्वाट सेट का ट्रू जीनियस जूलिंग वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, हमारे जो सेट है वो हमेशा ही आपका सपोर्ट करता रहेगा। वहाँ पर यांग ज़ियाओ ज़ियाओ बोलती है, हाँ पता नहीं कितना सपोर्ट करेगा, जब लड़ाई का मेन मौका होगा तो एकदम दुम दमा कर तुम ही लोग पीछे भागोगे। तभी वहाँ पर जो स्वाट सेट का जूलिंग होता है वह तुरंत काफ़ी स्पीड के साथ सीधे वो जो चार लाशें नहीं थी उन चार में से दो लाशों की तरफ बढ़ने लगता है और उनमें से दो मोती वह उठ निकालने वाला था, बट जैसे उसका हाथ वहाँ पर दो उन डेड बॉडीज पर ऐसे टच ही करने ही वाली होती हैं अचानक से पूरा ज़मीन ही काँप जाता है और अचानक से उन चारों बॉडीज में से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बॉडी आबा बाहर निकलने लगती है। और तभी इस नज़ारे को देखकर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जो आबा उन चारों की बॉडी से निकल रही होती है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। यह देखकर स्वाट सेट का जूलिंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं, इसका नेक्स्ट एपिसोड मैंने पेड टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में डालने की कोशिश करूँगा।